ओके जी, तो इस सेशन के अंदर हम पढ़ेंगे नेस्टेड इफ। देखिए नेस्टेड इफ का काम क्या होता है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इफ का मकसद ये होता है कि आप कोई भी चीज चेक करवाते हैं, फिर उस चीज को चेक करने के बाद या तो आपका रिजल्ट ट्रू आता है या तो आपका रिजल्ट फॉल्स आता है। अब ट्रू के बदौलत आप क्या आउटपुट में दिखाना चाहते हैं आपकी मर्जी, और फॉल्स के बदौलत आप क्या प्रिंट करना चाहते हैं आपकी मर्जी। सही है। इसी तरह से मैं यहां पे आके नेस्टेड इफ की अगर बात करूं तो कुछ इस तरह से यूज होती है। ये आपका इफ था जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, तीन पोर्शन होते हैं। पहला पोर्शन कंडीशन चेक करो, सेकंड पोर्शन अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो प्रिंट करो, थर्ड पोर्शन कि अगर वो वाली कंडीशन फॉल्स है तो तीसरा आपका जो भी पोर्शन है वो एज इट इज आउटपुट में आ जाएगा। यही था ना। लेकिन अगर आप यहां पे चाहते हैं कंडीशन के बाद फिर कोई कंडीशन चेक करवाना, यानी देखो अगर आपको घर वाले कहते हैं कि बेटा जाओ ये जो चार शॉप खुली हुई है पहली शॉप से जाके पूछो कि आपके पास कोई ऐसी चीज जो आप घर से, यानी घर वाले आपको बोलते हैं लेके आओ। सही है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज लेने जा रहे हैं, ठीक, सपोज आप कोई पेस्ट लेने जाते हैं, ठीक है, सेंसोडाइन का, तो आप अगर पहले शॉप से पूछेंगे सेंसोडाइन नहीं है ना, अगर वो कहता है कि मेरे पास सेंसोडाइन नहीं है तो आप क्या करेंगे, सेकंड शॉप से पूछेंगे ना। तो यहां पे वही है, ठीक, कि अगर आपकी क्या होता है कोई भी चीज आप चेक करवाते हैं अगर वो ट्रू होती है तो ठीक है, वरना आपको फिर से चेक करना, यानी दूसरी शॉप से चेक करना। हमसे क्लियर हो रहा है, ठीक है। जैसे अगर मैं ग्रेड चेक करवाता हूं एमएस एक्सेल के अंदर तो वो नेस्टेड इफ से ही करवाऊंगा, क्योंकि पॉसिबल है कि बच्चे के मार्क्स 100 हो, पॉसिबल है कि बच्चे के मार्क्स 30 हो, 40 हो, 60 हो, 70 हो, तो मैं क्या करूंगा उस बच्चे की परसेंटेज बार बार चेक करवाऊंगा। ऐसे ही है ना। तो बच्चे की परसेंटेज हम जब बार बार चेक करवाते हैं तो उसके बाद हमें पता चलता है कि बच्चे ने या तो 0 उठाया या तो 30 उठाया, 50, 60, 70, उसके हिसाब से हम उसको कोई ना कोई ग्रेड असाइन कर देते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सही है। तो नेस्टेड इफ का मैं यहां पे थोड़ा सा यूज समझा देता हूं। देखें पहली आपकी कंडीशन ये हो गई, उसके बाद अगर ये ट्रू होती है तो हम कुछ ना कुछ चीज प्रण कर देंगे, वरना फिर हम क्या प्रण करते थे उसका सेकेंड पार्ट, है ना। अब पहली इफ का सेकंड पार्ट नहीं, अब सेकंड पार्ट में फिर से इफ कंडीशन स्टार्ट होगी और फिर से हम चेक करेंगे। कौन से क्लियर है, यानी अगर 2 बराबर है 2 के तो रिजल्ट 2 क्या कि ये सिट इज इक्वल, वरना फिर से कोई कंडीशन चेक करो। कौन से क्लियर, यानी पहले शॉप पे जाओ उनसे पूछो सेंसोडाइन है, वो बोले ठीक है तो लेके वापस घर लौटो, डन, वरना फिर से अगेन यू हैव टू चेक इन अदर शॉप। कौन से क्लियर है। तो दूसरे शॉप पे जाओ फिर से वही वाली क्यूरी करो या दूसरी क्यूरी करो, ठीक है, और आप उनसे पूछो कि सेंसोडाइन है, अगर उनके पास भी नहीं है तो थर्ड शॉप, तो है ना, फोर्थ शॉप, ऐसे पूछते जाओ। यहां पर भी ऐसे होता है, जब आपको मल्टीपल कंडीशंस अगेन एंड अगेन चेक करवानी होती है आप नेस्टेड इफ को यूज कर लेते। कौन से क्लियर हो रहा है सबका। सही है। तो मैं अगर इसको एक्सेल की तरफ लेके चलूं तो कुछ इस तरह से होगा बेटा कि देखें इज इक्वल टू, मैं इससे पूछता हूं इफ 2 बराबर है 4 के, तो ये बोलेगा नहीं 2 तो बराबर नहीं है 4 के, है ना, लेकिन मैं चाहता हूं कि 2 बराबर हो ना 2 के, सॉरी 4 के, तो मुझे आउटपुट में दिखा देना कि यस इट इज इक्वल है। सही है। अब अगर मैं इसको कहता हूं, अब इसके फॉल्स होने पे मैं कुछ ना कुछ प्रिंट करवाता था, यही था ना, अब मैं ये नहीं करूंगा, अब मैं फिर से कोई दूसरी कंडीशन दूंगा, यानी फिर से स्टार्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। तो हमारा पहला पार्ट था उसके ट्रू होने पे कुछ भी प्रिंट होता, अब ट्रू नहीं होता तो फिर से कोई दूसरी कंडीशन, और अब मैं उसमें चेक करवा रहा हूं कि क्या 3 बराबर है 3 के। आंसर क्लियर है। तो अब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मैं क्या प्रिंट करवाऊंगा, यस इट इज
इक्यूअल, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और अदरवाइज मैं वरना क्या प्रिंट करवाऊंगा, एल्स प्रिंट करवा दूंगा इसकी। एल्स मकसद आप समझो, अगर ये भी ट्रू नहीं होता, टू बराबर है फोर के, ये फॉल्स हो गया ना, तो ये दूसरी कंडीशन चेक करेगा इस दूसरी इफ की, ये चेक करेगा ना कि क्या थ्री बराबर है थ्री के, ये ट्रू हो गया। अगर ये भी ट्रू नहीं होता तो या तो मैं फिर से इफ कंडीशन, तीसरी कंडीशन दू ना ऐसे ही है, या मैं फिर से कोई एल्स उसका प्रिंट करवा सकता हूं। एल्स से मकसद थ्री के बराबर थ्री ना होने के बदौलत अगर मैं उसका कोई अपोजिट प्रिंट करना चाहता हूं तो कर सकता हूं। तो मैं यहां पे आके ये बता सकता हूं कि नो थ्री इज नॉट इक्वल टू थ्री, यानी मैं फिर से और अगेन चेक नहीं करवा रहा, बस यहीं तक फाइंड अप करवा देता हूं। अब आप देखेंगे जैसे मैंने ब्रैकेट क्लोज की तो बता रहा है रेड ब्रैकेट ओपन हुई थी तो रेड ही क्लोज हो रही है, यानी ये इनर इफ जो सेकंड इफ है वो क्लोज हुई है, पहली इफ अभी तक बंद नहीं हुई, इसीलिए ही तो इसको नेस्टेड कहते हैं, क्योंकि इफ के अंदर इफ होता है। कौन सा क्लियर हो रहा है, ये इफ के अंदर इफ होता है, सही है। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं कि हम मार्कशीट के अंदर कैसे इसको यूज करेंगे, तो अभी इसको थोड़ा सा समझ लो, फिर हम इसको वहां पे प्रैक्टिकली भी देखते हैं। मैं जैसे इंटर करूंगा तो क्या बता रहा है, यस इट इज इक्वल, ये कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा है, ये वाली प्रिंट कर रहा है, यस थ्री इट इज इक्वल, सही है, ये यही प्रिंट कर रहा है। देखो क्योंकि पहली कंडीशन ट्रू नहीं थी, कौन सी वाली प्रिंट थी, सेकंड कंडीशन हमारी ट्रू थी, यानी सैमसोडाइन पहले शॉप से नहीं, कौन से मिला था, सेकंड शॉप से, कौन से, क्लियर हो गया। अब इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ेंगे, मार्कशीट के अंदर इसको यूज करेंगे तो आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा।